नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्नैक मैन सहदेव वाल्मीकि स्वागत है आपका। और अभी हम राजस्थान के एरिया में पहुंच चुके हैं जो कि रामगढ़ का है, और यहाँ नौर तहसील और जिला हनुमानगढ़। और अभी इन भाइयों ने हमारे पास फ़ोन किया था जो कि हमारे ये बुआ जी के लड़के हैं परमानंद सार सर। तो इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जो कि स्टडी के बारे में पढ़ाते हैं बच्चों को। उसका क्या नाम है अपना बताइए यूट्यूब JVSM जी के क्लासेस। हाँ, तो इनके चैनल को भी आप जो राजस्थान के एरिया में जो भी बच्चे पढ़ते हैं और इनको ऑनलाइन ये क्लासें लगवाते हैं तो उनसे कुछ सीखने को आपको नया मिलेगा। तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। तो अभी आपको दिखा देते हैं जो ये पानी की डिग्गी बनी हुई है खेत के अंदर। तो इसके अंदर दो सांप गिर चुके हैं, तो थोड़ा आपको दिखा देते हैं जूम करके। देखिए दोस्तों, ये मेंढक भी मरा पड़ा है और अंदर एक गिरगिट भी है, और ये ग्लोसरी बैंडेड रेसर के नाम से जाने जाते हैं। ज़्यादातर ये रेगिस्तान के एरिया में या खेत वगैरह में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये घूमते फिरते हैं यहाँ आगे और इस डिग्गी के अंदर गिर चुके हैं, तो अभी हम इसको रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरे वाला का एक और भी एक ही हिरण ये ऊपर चढ़ा हुआ है, इसको थोड़ा नीचे देखिए। प्रयास कर रहा हूँ और ये बाइट भी करते हैं, बहुत तेज बाइट करते हैं और काफी फुर्तीले होते हैं। इन्हें बैंडर रेसर के नाम से जाना जाता है, ग्लोसरी बैंडर रेसर के नाम से। तो अभी इसको मैं दोनों को बाहर निकालूंगा और इनके बारे में थोड़ी आपको और जानकारी देते हैं। देखिए कितना प्यारा स्नेक है और पानी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। और अगर ज्यादा दिन तक ये गिरे रहे इस पानी के अंदर रहे तो इनकी मौत भी हो सकती है पानी के अंदर ही। हाँ, तो दोस्तों अभी इनको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। पानी भी है, मतलब खून नीचे रिंग बजी फिर एक भी है। जूम करो बिल्कुल क्लियर, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी मैं इनको बाहर निकाल रहा हूँ। देखिए कितना प्यारा स्नेक है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी फुर्तीले होते हैं और काटते भी बहुत तेज है। आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। देखिए बाइट भी करता है, इसके बाइट करने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप घबराएं ना, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता। अगर ये काट भी ले तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, जैसे एलर्जी वगैरह हो जाती है। तो उसके चलते आप अपने नज़दीकी कोई डॉक्टर से सलाह लेके टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगाएं। देखिए दोस्तों, अभी मैं इसको डिब्बे में पैक कर रहा हूँ। एक को हमने डिब्बे में पैक कर दिया और दूसरा और निकाल रहे। देखिए दोस्तों, दूसरा भी काफ़ी शांत बैठा है क्योंकि ठंड की वजह से ये जकड़ी चुके हैं। तो अभी इसको भी हम बाहर निकाल रहे हैं। देखिए दोबारा चला गया नीचे। देखिए दोस्तों, ये बार बार नीचे जा रहा है, कुत्ती भी बहुत है, तेज बहुत हो भाई, मारना माहिर हुआ है, खाना भी माहिर हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों, दूसरे को भी हमने बाहर निकाल लिया और ये बाइट करता है। देखिए कितना मेरे को बाइट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इनके काटने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देते हैं, इसका कलर है जो, देखिए कितना प्यारा स्नेक है। और अपने कलर की वजह से ये ज़्यादा मशहूर होते हैं, इनको बैंडेड रेसर के नाम से जाना जाते हैं क्योंकि इनकी रेस काफ़ी रफ्तार तेज होती है। और ये घास फूस के एरिया में रेगिस्तान में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अभी इसको मैं तो काटता नहीं है, ये काट तो लेते हैं भाई साहब, काटने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर काट जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इनमें जहर है नहीं। अगर जहर भी नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप ऐसे चलते में आप किसी झाड़ फूँक के चक्करों में ना पड़े। अगर झाड़ फूँक के चक्करों में आप जाओगे या डॉक्टर से इंजेक्शन वगैरह नहीं लोगे तो आपको दिक्कत ज़्यादा बढ़ सकती है।
देखिए दोस्तों, दोनों को हमने पैक कर लिया है और इन भाइयों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो कि इन्होंने दो स्नेकों को बचाया है। और इसी प्रकार हमारी वीडियो को शेयर लाइक जरूर किया करो क्योंकि एक जोखिम भरा कार्य है जो हम कर रहे हैं और आप जैसे दोस्तों की वजह से हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं और इन जीव जंतुओं को बचा रहे हैं क्योंकि दूर दूर से हमें कॉल आ जाती है। लगभग हमारे एरिया से माधव सिंगाणा से करीबन 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है तो इतना हमने सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप हमें कहीं से भी कॉल कर सकते हो, जितना हमारा भी बढ़ता है, जितने 40-60 किलो 100 किलोमीटर के इर्द गिर्द में हम चले जाते हैं। जिस प्रकार हमारे जो हरियाणा के स्नेक मैन 30 भाई साहब हैं तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो बार बार वो यही बात बोलते हैं जो भी हमारे इर्द गिर्द स्नेक कैचर हैं, तो प्लीज़ भाई साहब मेरी रिक्वेस्ट है जो भी स्नेक कैचर है तो फ़ोन जरूर अटेंड किया करो और फ़ोन का जवाब जरूर दिया करो। रेस्क्यू करने जाते हो तो दूर दूर से कई बार कॉल आ जाते हैं तो उनको जवाब जरूर देना होता है, तो आप उनको जवाब जरूर दिया करो और सांप को रेस्क्यू करेगा और सेफ्टी से काम किया करो। ओके दोस्तों, हमारे वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा यूट्यूब चैनल है स्नेक मैन सहदेव वाल्मीकि के नाम से, उसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से आप भी इन जीव जंतुओं को अधिक से अधिक बचा सको। ओके दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।